हेलो एवरीवन, एनपीयू की वीडियोस में ही अब हम लोग आगे चलते हैं। ये वाली वीडियो थोड़ी इजी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो थोड़े जनरल टर्म्स हैं। तो जनरल टर्म्स के लिए बहुत जल्दी से देखते हैं मीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम जनरल टर्म्स और जनरल आइटम्स। एब्रिविएशंस वही यूज होंगी जो पिछली यूज हो रही थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को INE अकाउंट कहेंगे, रिसेप्शन पेमेंट को RNP अकाउंट कहेंगे और बैलेंस शीट को B/S कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं ऑनोरेरियम की। किसकी? ऑनोरेरियम की। किसी को ऑनर में पेमेंट करना। एक डॉक्टर हमारी संस्था में आए और उन्होंने एक फ्री चेकिंग कैंप लगाया, तो फ्री में चेकिंग तो कर रहे हैं पर हम उन्हें ऑनर में थोड़े पैसे देंगे, वो ऑनोरेरियम है। कोई गेस्ट लेक्चरर हमारे यहाँ आ जाए और लेक्चर देके जाए हमारे इंस्टीट्यूशन में तो हम उसे ऑनोरेरियम देंगे। ठीक है, तो एक NPO ऑनोरेरियम देते हैं। ऑनोरेरियम का मतलब ऑनर में दी गई पेमेंट। पेमेंट मेड टू अ पर्सन अदर देन द एम्प्लॉई, वो हमारा रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है। ऑफ NPO, वो हमारे NPO का एम्प्लॉय नहीं है। फॉर रेंडरिंग सम स्पेसिफिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस, कोई स्पेसिफिक मतलब स्पेशल या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस वो देके जा रहा है। आजकल बड़े मोटिवेटर चल रहे हैं आपको मोटिवेट करने वाले, है ना। तो कोई मोटिवेटर हमारे यहाँ आया और उसने लोगों को मोटिवेट करा हमारे यहाँ आके, तो वो स्पेसिफिक सर्विसेज कहलाती हैं। एक NPO को जो कोई बाहर का बंदा आके दे रहा है, जैसे पेमेंट टू आर्टिस्ट फॉर परफॉर्मिंग। देखिए, कोई पंजाबी सिंगर हम लोगों ने बुला लिया कल्चरल इवेंट में परफॉर्म करने के लिए, तो वो हो गया पेमेंट टू आर्टिस्ट फॉर परफॉर्मिंग। और पेमेंट टू अ गेस्ट लेक्चरर, इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ऑनोरेरियम में से ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, समझना ये है कि ये एक पेमेंट है। पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा। एक्सपेंडिचर साइड मतलब डेबिट साइड में शो होगा, क्योंकि जितनी भी एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगला है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जब खराब हो जाती हैं, जब वो इस लायक नहीं बचती कि उन्हें आगे यूज करें, तो हम उन्हें बेच सकते हैं। ये सब कुछ आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन नाम के चैप्टर में पढ़ रखा है कि कैसे फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाता है। आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ इतना करना है कि रिसिप्ट्स जो होंगी, आपने एक एसेट बेची, मान लीजिए एक जनरेटर संस्था का खराब हो गया, उन्होंने उस ओल्ड जनरेटर को बेच दिया, तो उससे होने वाला जो पैसा आया उसको हम रिसिप्ट साइड में दिखा देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, एक ये काम करना है। अब मान लीजिए कि उसको जब हमने सेल करा तो हमें लॉस हो गया। अगर जो हमें लॉस होता है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे, अगर हमें गेन होता है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखा देंगे। सिर्फ इतना सा, ठीक है। अगली बात, रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स शोन इन बैलेंस शीट। अगर हमारे पास 1,00,000 रुपए के जनरेटर थे जिसमें से 20,000 रुपए का हमने जनरेटर बेच दिया, तो 1,00,000 माइनस 20,000, तो अब हम बैलेंस शीट में 80,000 रुपए के जनरेटर दिखाएंगे। समझ आ गई बात? तो ये हो गया आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिसकी अब वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो अब किसी यूज का नहीं है, एक तरीके से कूड़ा करकट बन चुका है वो स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू को भी आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन नाम के चैप्टर में पढ़ा है। रिसिप्ट शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उस स्क्रैप को बेच के अगर कोई पैसा आता है तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, जहां पैसा आता है वहां पे दिखाएंगे। और दूसरा, अगर उसे बेचने से, अब देखिए स्क्रैप है, स्क्रैप को बेचने से अगर कोई इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप अगर कोई इनकम हो जाती है तो उसे कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। कौन साइड में? इनकम साइड में। एग्जाम्पल, सेल ऑफ ओल्ड प्लास्टिक बॉटल और घनी सैक्स। देखो, अब हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक बाटी तो कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बॉटल्स बिक गई, हम कबाड़ी को वो बेच देते हैं, तो वो हो गया सेल ऑफ ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, दूसरी बात, गनी सैक्स क्या होते हैं? गनी सैक्स जैसे बोरा होता है ना, ब्राउन कलर का बोरा। अब हमने कोई सामान मंगाया, वो बोरे में पैक होके आया था, अब बोरा यूजलेस है, उसको हम सेल कर देंगे, उन्हें गनी सैक्स या गनी बैग्स कहते हैं। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स। देखिए, न्यूज़पेपर जब ओल्ड हो जाता है तो सारे के सारे लोग कबाड़ी को बेच देते हैं, मैगजीन्स एक बार पढ़ ली उसके बाद वो किसी काम की नहीं रहती। पीरियोडिकल्स मतलब होता है जो पीरियड टू पीरियड, महीने से महीने या हफ्ते से हफ्ते हमारे पास जो पत्रिका आती है एक संस्था द्वारा,
तो वो जो पत्रिका है जब वो पुरानी हो गई या हम किसी से पत्रिका लेते हैं, हमारा एनपीओ किसी से पीरियोडिकल्स लेता है, तो वो पीरियोडिकल्स जब हमारे किसी काम की नहीं रही तो उन्हें हम कबाड़ में बेच देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, अगर इसमें लिखा है सेल एंड परचेज, इसीलिए मैंने दोनों आइटम समझाए। अगर जो हम परचेज करते हैं तो ये रोजमर्रा का खर्चा है, इसे डेबिट कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर हम इन्हें सेल कर देते हैं पुराने वालों को तो ये भी रेवेन्यू नेचर का है और इससे होने वाली इनकम को क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। होपफुली आपको ये समझ आ गया, मैंने आपको पहले कहा था ये वीडियो आसान होने वाली है। अगली वीडियो में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझेंगे और उससे अगली वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझेंगे। थैंक यू क्लास।